क्रांतिकारी युवा संगठन के साथ के एक सदस्य माधुरी जी हैं, उनसे बात करते हैं हम। मैम, कहीं ना कहीं आज बाबा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जो दलित है, जो निचली कास्ट के लोग हैं, उनके लिए बहुत सारे कार्य करती है, बहुत सारे प्रस्ताव लाती हैं कि ये कोई उत्थान करेंगे, ये से हम काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं और अभी भी उनके लिए उत्थान के लिए काम होता है, इसके बारे में तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जो सरकारें छोटे मोटे टुकड़े लोगों को पकड़ाती हैं, निम्न वर्गीय लोगों को या नीचे जाति के लोगों को जिन्हें माना जाता है उनको पकड़ाती हैं, वो बहुत नाकाफ़ी है। ठीक है, जहाँ रोटी की ज़रूरत है वहाँ वो एक चंद छोटा सा टुकड़ा पकड़ा के कहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। और जो नीतियाँ लाई जाती हैं वो भी बहुत बेहतर नीतियाँ नहीं हैं। जैसे अगर हम आरक्षण की भी बात करें, ठीक है, तो वो भी सभी दलितों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत बड़ा दलित हिस्सा जो दबा हुआ है, गाँवों में रहता है, छोटे छोटे कस्बों में रहता है, वो तो उसी तरीके के काम कर रहा है, सफाई के काम कर रहा है, या जो गंदा काम माना जाता है उस कामों में अभी भी लगा हुआ है। और बहुत ही छोटा सा हिस्सा दलितों का है जो आगे आगे पढ़ पा रहा है या बेहतर नौकरियों में जा पा रहा है, वरना बहुत बड़ा हिस्सा 99% लोग आज भी गाँवों में वही मैला उठाने का काम कर रहे हैं, सीवर में सफाई करते हुए मजदूर मर जाते हैं, और ऐसी स्थिति लगातार होती है, हर दिन होती है। थैंक यू। हमारे साथ है दामोदर सिंह जी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब से देश आज़ाद हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर हो चाहे और बहुत सारी संगठन हो, और उसके बाद जितनी भी सरकारें आई हो, सबने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी जो अब 2022 वर्ष चल रहा है, आपको लगता है कि अभी भी दलित उत्थान हुआ है या नहीं हुआ है? ना अब हुआ है और ना पहले हुआ था। जहाँ से दलित बाबा साहब ने उठाए थे आज भी वहाँ के वहीं हैं, क्योंकि ये जो मनुवादी जो सोच है ना, ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम लोग जो है आगे बढ़ें किसी भी तरह से, और आज भी हमारा वही शोषण हो रहा है जो उस समय हुआ था। तो कहीं ना कहीं मंडल कमीशन ने जो ओबीसी वर्ग है, जो एसटी वर्ग, उनका आरक्षण तो दिया था? नहीं, आरक्षण दिया था, ठीक है, मंडल आयोग ने, लेकिन वो इस चीज़ को मानते नहीं है। ओबीसी तो नहीं, ओबीसी का लागू है, क्या नाम जी, जो मंडल कमीशन आयोग, लेकिन उससे वो मानते नहीं है इस चीज़ को कि हम आरक्षण में आते हैं। ओबीसी समाज कोई अपने आप को आरक्षण में नहीं मानता, सिवाय एससी और एसटी के अलावा। तो कहीं ना कहीं सर, ओबीसी को तो आरक्षण लाभ मिला है ना, वो तो उनके दर्जे बने मिलता है, मिला हुआ है। हाँ। आरक्षण मिला है, मंडल आयोग जब लागू हुआ था मिला है, लेकिन वो मानते नहीं अपने आप को आज भी। ओबीसी समाज से आप किसी से बात करें, कोई नहीं कहेगा क्या नाम जी कि मैं आरक्षण का, सब लोग हमें बोलेंगे कि भाई ये आरक्षण से, कि ये अगर ये वोट होंगे तो कहेंगे अरे प्रमोशन होगा, अरे आरक्षण से होगा, आरक्षण से होगा। मुझे तो नहीं लगता, मुझे भी क्या नाम जी 32 साल हो गए, मैं भी दिल्ली पुलिस में सर्विस करता हूँ, अगर आरक्षण से प्रमोशन मिलता तो मिल गया होता हमें भी। आपको ये लगता है कि आरक्षण से प्रमोशन नहीं मिलता, हमारे काम से प्रमोशन मिलता है? नहीं मिलता, बिल्कुल कार्य से मिलता है। आरक्षण से, आरक्षण के से तो दे ही नहीं रहे प्रमोशन, हमारी कार्यशैली के अनुसार प्रमोशन देते। लेकिन सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण मिलता है सर? आरक्षण मिल रहा है सरकारी नौकरियों में, मिल रहा है, लेकिन पूर्ण रूप से वो भी नहीं है, लागू नहीं है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से वो भी लागू नहीं है। उसको भी कोई नकली सर्टिफिकेट बना के जो मनुवादी लोग हैं वो जो है उसमें नौकरी पा लेते हैं, और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। जितने भी गवर्नमेंट है या उनके जो बैठे हुए अफसर हैं, सारे उन्हीं के अधिकारी हैं, और वो इस चीज़ को नहीं मानते कि जो है ये दूसरी कैटेगरी के पूरी सर्विस कर जाते हैं, वो रिटायरमेंट हो जाते हैं, तब तक भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता, और वो जो है अधिकारी हैं उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेते। जो हमारे इसका लाभ उठा रहे हैं वो एससी बन के हैं, जनरल कास्ट के, और एससी का सर्टिफिकेट बनवा के वो एससी की उस पर भर्ती कर लेते हैं, हो जाते हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं, तो उसका पूरा पूर्ण रूप से हमारा जो अधिकार है उसे काट लिया जाता इसका है। तो सारे कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार, इसका वेरिफिकेशन होता है सर? वेरिफिकेशन जो है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, सही ठीक ढंग से वेरिफिकेशन नहीं होता। जो वेरिफिकेशन करने जाते हैं उनकी जेब गर्म कर दी जाती है और वो सही रिपोर्ट दे देते हैं, ऐसा होता है। अब भी काफ़ी हर डिपार्टमेंट में भरे हुए लोग हैं जो एससी नहीं है, एसटी नहीं है, वो दूसरी कास्ट के आते हैं, बिलोंग करते हैं, और फिर भी वो एससी के उस पर डॉक्टर हुए, चाहे पुलिस में हुए, चाहे अदर डिपार्टमेंट में हुए, काफ़ी लोग नौकरी कर रहे हैं ऐसे।